सर, एक कहावत है कि जान है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ। सो सर, जे जीवन तभी है जे किसी के पास सेहत होती है। और आज जे 140 करोड़ लोगों की मैं बात करूं, तो सबसे ज़रूरी जे बजट में देखा जाए तो एलोकेशन होनी चाहिए थी हेल्थ के लिए, ताकि ये जो एक जवान देश है ये प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सके। लेकिन अफसोस कि जहाँ पे बजट में जिस तरह की बढ़ोतरी होनी चाहिए, बढ़ोतरी तो नहीं हुई। और मैं ये महसूस करती हूँ कि हम सारे इस बात से अग्रीमेंट में होंगे कि हर एक के क्षेत्र में डॉक्टरों की और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। गांव से लेके शहर में ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत है। ये ज़रूरत तभी पूरी हो सकती है जो और मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए, एलाइड सर्विसेज वाले, जो इस तरफ सरकार ध्यान देगी तभी तो और डॉक्टर्स बनेंगे। और मैं ये भी बेनती करूंगी कि जहां करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ वेस्ट किए जाते हैं, कहीं पे बहुत बड़ा बुत बनता है उस पे हजारों करोड़ वेस्ट कर दिए जाएं, कहीं कुछ बन रहा है बुलेट ट्रेन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपने एम्स बनाए हैं, ऐसे कि आपने बढ़िया इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, तो फिर इधर कंजूसी हम क्यों करते हैं? जितनी सैंक्शन ग्रांट है वो भी पूरी नहीं देते हैं, पैसे वहाँ के रोके हुए हैं। जिस तरीके से ये एम्स को आपको बढ़ाना चाहिए, हजारों करोड़ उनको तो सैंक्शन करके और देना चाहिए, ना कि सैंक्शन अमाउंट को भी रोकना चाहिए। सो मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को, कि एम्स बठिंडा, जो मेरा ख्याल आपके सबसे पहले एम्स जो 2016 में ऐलान हुए थे, 3 साल के अंदर ये एम्स बन गया 750 बेड का। रोज़ यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सारे राज्यों के 2500 लोग ओपीडी में आते हैं। रोज़ वहाँ पे 40 एमरजेंसीज होती हैं। 2 मेजर नेशनल हाईवेज, 3 स्टेट के हाईवेज, 2 एक्सप्रेसवेज के बीच में। और आपको हैरानी होगी सर, 750 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इतनी सारी हाईवेज, क्या आपको पता है कि यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में कितने बेड्स हैं? 28 बेड सर। 28 बेड से वो हॉस्पिटल की ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट पूरी होएगी, ये 40 इमरजेंसीज की पूरी होएगी, किसकी होएगी? लगातार मैं कई सालों से मांग रख रही हूँ कि एक 300 बेड का ट्रॉमा सेंटर सैंक्शन किया जाए। एम्स बठिंडा भी मांग रहा है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं। आज तक पता नहीं क्या कारण है, इतना बड़ा आपने हॉस्पिटल खड़ा किया, इमरजेंसी के वहाँ पर आप लगा दीजिए ट्रॉमा सेंटर 300 बेड का, ताकि उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो। अस्पताल लोग भी मांग रहे हैं और वहाँ की जनता भी मांग रही है। दूसरा सर, जो छोटे छोटे पेंडिंग ड्यूज हैं, चाहे वो DPR कॉस्ट में, नॉन DPR, एक एक दो दो करोड़ क्यों आप रोक के रखते हैं, वो दे दीजिए। सर, आपको हैरानी होगी कि यहाँ पे मैन पावर भी अभी पूरा नहीं दिया है। ऑथराइज फैकल्टी में 150 से ज़्यादा पेंडिंग है, नॉन फैकल्टी में उसमें तकरीबन 1000 के तरफ पेंडिंग है। और सर, सबसे ज़रूरी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। मेरा क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ इतना ज़्यादा कैंसर है कि मेरे यहाँ जब मैं MP बनी थी, एक कैंसर ट्रेन जाती थी सिर्फ कैंसर पेशेंट से, पंजाब से लेके उनको बीकानेर जाती थी। हमारी सरकार आई, हमारे कैंसर के हॉस्पिटल वगैरह बनाए, चलो अब यहाँ पे इलाज शुरू हो गया। लेकिन इस बड़े सारे एम्स में सब पेट स्कैन की मशीन आज तक नहीं दी है। अब इतना ज़्यादा कैंसर की, एक कैंसर की ट्रेन वहाँ से जाए, लगातार कितनी चिट्ठियाँ लिखी है, मांग रखी है, कम से कम पेट स्कैन की मशीनरी तो दे दीजिए। 7% कैंसर के केसेस हमारे पंजाब में हर साल बढ़ रहे हैं। अरे, गरीब को कितनी बड़ी मदद होगी? आपने दवाइयों में टैक्स हटा दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन मशीन तो आप दे दीजिए। और इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित औरतों, जिनका ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 23,000 डेथ्स हर साल होती हैं। सो ये मैं मांग करती हूँ। दूसरी सर, हाई एंड ICU वेंटिलेटर्स। आपको हैरानी होगी, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी अस्पताल में एक वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस तक भी नहीं है, जो लोगों को नज़दीक के साथ में जहाँ पे भी उनको हेल्थ केयर मिल सकता है। सो इसे एम्स में हाई एंड वेंटिलेटर फॉर द हॉस्पिटल और एक एम्बुलेंस विद अ वेंटिलेटर। सर, दूसरा, मुझे इस बात का मान है कि हमारे इस अस्पताल ने ऑलरेडी लाइव डोनर किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया है, और वहाँ पे अस्पताल ने लिख के भेजा है कि इनको दे दी जाए जो SOTTO स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट, जो इनको मातृता देती है, ये दे दी, ताकि ये हार्ट में भी शुरू हो जाए। ये पेंडिंग कब से पड़ा हुआ है नेशनल के साथ। मैं विनती करती हूँ डॉक्टर मंत्री जी को कि ये दिलवा दीजिए। सर, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं कि वहाँ पे डॉक्टरों के रहने का स्टाफ अकोमोडेशन अभी तक नहीं बना है, हॉस्टल में कमरे कम हैं,
तो ये जब डॉक्टर रहेंगे नहीं कैंपस के अंदर तो इमरजेंसी के लिए अवेलेबल कहाँ होंगे और पेशेंट्स को बोलना पड़ता है। सो जरूर मैं बेनती करती हूँ इधर उधर पैसे खर्चने के बजाय जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आपने बनाए कम से कम उधर के पैसे आप पूरे करिए। सर दूसरी मैं ये मांग करूँगी कि पंजाब की स्टेट की सरकार अपनी आम आदमी की सियासत चमकाने के लिए और सेंटर की जो टसल रीब्रांडिंग हमारे नेशनल हेल्थ मिशन में करोड़ों रुपए आज बता रहे थे मंत्री जी भी कि कितने रुपए रोक दिए गए क्योंकि आयुष्मान भारत का भी जो स्टेट का हिस्सा होता है वो हमारी स्टेट की सरकार ने नहीं भरा तो लोग इसके लाभ से वंचित हो रहे हैं। और इसी तरह सर इनकी ब्रांडिंग की टसल में ये कहते हैं कि इसकी ब्रांडिंग पीएम जो भी योजना होनी चाहिए वो कहते हैं हम मोहल्ला क्लिनिक नाम देंगे। नाम की लड़ाई में लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज खत्म हो रही है। सो मैं बेनती करती हूँ सरकार से पीपल शुड नॉट सफर। और मैं ये आम आदमी सरकार ने सर जो अपनी सियासत चमकाने के लिए पीआर एक्सरसाइज मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने शुरू किए जहाँ पे सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डॉक्टर्स को लेके बैठा दिया और ब्लड टेस्ट होते हैं और उनको एक टेस्ट के लिए उनको 50 रुपए मिलते हैं डॉक्टर को। तो आप उनके टेस्ट ये देखेंगे आपको लगेगा सारा पंजाबी बीमार पड़ा है क्योंकि एक इतना बड़ा करप्शन का ये केंद्र बन गया है। सो सर मेरी बेनती ये है कि ऐसे पैसे आप ना रोकिए जिससे लोगों का नुकसान होता है और ये पैसे पंजाब को दिया जाए क्योंकि ये इनकी लड़ाई में लोगों को सफ़र नहीं करना चाहिए। आज सारे देश में सबसे ज़्यादा अपने जेब से खर्चा करने के लिए हेल्थ सर्विस के लिए पंजाब का नेशनल एवरेज से भी दुगना है क्योंकि इनकी लड़ाई में सारी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर आम आदमी क्लिनिक में डाल दिए और जो ढांचा था सरकारी ढांचा वो सारा कंडम हो रहा है। सर दो पॉइंट्स अखीर में, एक तो आशा वर्कर जो 2008 से काम कर रहे हैं और बहुत ही उनको आज 1000-2000 रुपए से क्या होता है, इनको एक इनका पे ग्रेड नॉर्मलाइज किया जाए जो डीसी रेट होता है और इनकी एज लिमिट भी 65 तक बढ़ाई जाए। सर सरकार के मैनिफेस्टो में कहा था कि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे लेकिन बजट में तो इसका कोई प्रावधान नहीं रखा। जिस तरह इस सरकार ने ये भी कहा था कोविड के बाद कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनेगा लेकिन कोविड हुए तो 4-5 साल हो गए हमारे पंजाब में एक भी नहीं। सो सर मैं बेनती करती हूँ कि हमारे एम्स का एक सेंटर मानसा जो मेरे ज़िले में है उधर खोला जाए। फिरोजपुर में जो PGI सैटेलाइट सेंटर 2013 में सैंक्शन हुआ था, दो बार ही उसका नींव पत्थर रख दिया गया है लेकिन 10 साल बाद आज तक बिल्डिंग भी नहीं खड़ी हुई है। सो मैं सरकार से ये भी बेनती करती हूँ कि वो जो आपने सैंक्शन किया कम से कम उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करिए जे आप लोगों की हेल्थ की तरफ आप सुगिर्द हैं। और सर इसी तरह एक मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो छोटे शॉपकीपर दुकानदार होते हैं छोटे बिजनेस वाले जो GST में कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए कोई ऐसे की इंश्योरेंस स्कीम लेके आए क्योंकि एक बीमारी आती है सारी उनकी कमाई तबाह हो जाती है। सो मैं आपकी आपके तरफ से भी मैं उनको बेनती करती हूं और ये जरूर कि एम्स बठिंडा के सारा कुछ उनका सैंक्शन ड्यू है और सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर जरूर 7 साल से मैं मांगी जा रही हूँ। मैं उम्मीद करते हैं जल्दी कर। थैंक यू।